आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन को पूरे टाइम क्लीन रखने के लिए कुछ खास उपयोगी टिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान टिप्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो वही कुछ बातें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए ये टिप्स आपको कैसी लगी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। फॉर मोर सच रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स सब्सक्राइब नाउ। तो माय फर्स्ट स्टेप इज कि जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हम पलथन के लिए आटा अक्सर प्लेट में निकाल कर रखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जब भी हम आटे को पलथन में लपेटते हैं तो आधा आटा तो स्लैब पर गिर जाता है। मींस एक तो हमारा काउंटर टॉप गंदा हो जाता है, दूसरा आटे की वेस्टेज होती है और उसके बाद फिर आप इस आटे को स्टोर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूज़ करें इस टाइप का एक कंटेनर, जिसको आप यूज़ करने के बाद बंद करके भी रख सकते हैं। प्लेट में जो आटा आप निकालते हैं उसे आप रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, रीयूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से कंटेनर में रखेंगे तो रीयूज़ भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप का कोई सा भी कंटेनर। मेरे पास प्लास्टिक कंटेनर है, आप चाहें तो स्टील का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं इसका यूज़ करके रोटी बेल रही हूँ तो काउंटर पर बिल्कुल भी आटा नहीं गिरा था। जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने इसकी लिड लगाई और इसको रख दिया, और जब दोबारा यूज़ करना हो तो लिड ओपन करके आप दोबारा से रोटी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सूखे आटे को स्टोर कर सकते हैं। माई नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप रोटी बनाकर हटें तो हमेशा चकला और बेलन को वॉश करके ही रखें, नहीं तो क्या होता है कि बेलन हमारा लकड़ी का बना होता है, इस पर जर्म्स पनपते रहते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आटा चकला और बेलन दोनों पर ही लग जाता है। इसलिए हमेशा इनको वॉश करने के बाद ही रखें, और जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपके पास क्लीन चकला और बेलन यूज़ करने के लिए तैयार रहेंगे। माय नेक्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप रोटी बनाकर हटते हैं तो काउंटर पर थोड़ा बहुत आटा गिर ही जाता है, तो जब भी आप हटें तो सबसे पहले काउंटर टॉप को क्लीन कीजिए और उसके बाद ही आप अपना नेक्स्ट काम कीजिए, ताकि जब भी आप नेक्स्ट काम करने के लिए आएं तो आपका काउंटर टॉप क्लीन हो और उस पर कोई भी जर्म्स ना आए। और जो भी गंदगी काउंटर टॉप से निकली है उसको या तो हाथ में ले लीजिए, नहीं तो किसी बर्तन में ही इकट्ठा करें, किचन के फर्श को गंदा ना करें। माई नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि सर्दियों में अक्सर होता क्या है कि घी जम जाता है, जिसकी वजह से हम घी के बर्तन को डायरेक्टली फ्लेम पर रख देते हैं और घी का बर्तन नीचे से कुछ इस तरीके से जल जाता है। उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि जब आपका तवा गर्म हो तो गर्म तवे के ऊपर ही घी का बर्तन रख दीजिए और आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद ही आपका घी मेल्ट हो जाएगा। या तो जब आप रोटी बनाकर हटें तब इसको रख दीजिए तो 5 मिनट में ही मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो आप फ्लेम ऑन करके भी तवे के ऊपर रख सकते हैं और घी मेल्ट होकर तैयार हो जाएगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका घी का बर्तन जलेगा भी नहीं, वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और आपका घी भी मेल्ट हो जाएगा। अब आप घी रोटी पर भी लगा सकते हैं, दाल में भी ऐड कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं अक्सर घी को इसी तरीके से मेल्ट करती हूँ, जब मैं रोटी बनाकर हटती हूँ तो तवा गर्म ही होता है, उसी के ऊपर घी दानी रख देती हूँ और 5 मिनट में मेरा घी मेल्ट हो जाता है और उसके बाद मैं इसको यूज कर लेती हूँ। सो माय नेक्स्ट स्टेप इज, क्योंकि हम क्लीनिंग की ही बात कर रहे हैं, तो जब भी हम रोटी बनाकर कैसरोल में रखते हैं हमारे हाथ पर कहीं ना कहीं सूखा आटा लगा होता है जो कि कैसरोल पर भी लग जाता है। तो जब भी आप कैसरोल को सर्व करने के लिए रखें उसको हमेशा एक कपड़े से क्लीन करने के बाद ही रखें, ताकि उस पर कोई भी गंदगी ना हो। जो हमने घीदानी यूज़ की थी उसको भी हमेशा क्लीन करने के बाद ही दोबारा उसके प्लेस पर रखें, नहीं तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, जिसको बाद में अगर हम क्लीन करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कोई यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनको क्लीन कीजिए, क्लीन करने के बाद ही उनको उनके प्लेस पर रखिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो आपको एक तो उन्हें यूज़ करना अनहाइजीनिक ना लगे, दूसरा वो बर्तन भी क्लीन रहें और आपका किचन भी क्लीन रहे। माई नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि जब भी हम बर्तन क्लीन करके रखते हैं अपने काउंटर टॉप पर, स्लैब पर,
तो हमारा स्लैब गीला हो जाता है और पानी टप टप करके किचन के फर्श पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूज कर सकते हैं ये ड्राइंग मैट्स। इस तरीके के जो फोम वाले मैट्स आते हैं उनको आप पहले अपने काउंटर टॉप पर रख दीजिए, उसके बाद बर्तन उल्टे कर इनके ऊपर आप रख सकते हैं, तो जितना भी एक्सेस पानी होगा वो सब कुछ ये फोम वाले जो मैट्स हैं वो सोख कर लेते हैं और आपका किचन भी गीला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। अगर आपके पास ये मैट्स नहीं है तो आप पुराने टॉवल का भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। माई नेक्स्ट स्टेप इज कि जब भी आप कोई फल या सब्जी छीलते हैं तो उसका छिलका कभी भी डायरेक्टली काउंटर टॉप पर ना गिराएं, या फिर आप जहां बैठे हैं वहां पर उसकी गंदगी ना करें। इस तरीके से होगा क्या कि एक तो जहां पर आप बैठे हैं वो प्लेस गंदा हो जाएगा, आपको सबसे पहले छिलके हटाने पड़ेंगे, उसके बाद उस प्लेस को भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप कोई भी एक ट्रे या फिर कोई एक बास्केट लेकर बैठ सकते हैं और जितनी भी गंदगी हो, जितने भी छिलके हो, वो सब आप एक ही जगह इकट्ठे कर सकते हैं। तो इससे आपके दो काम हो जाएंगे, एक तो वहां का प्लेस गंदा नहीं होगा, आपका काउंटर टॉप हमेशा क्लीन रहेगा, दूसरा जितना भी कचरा है वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा, उसे आपको बार बार इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली जाकर इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। माय नेक्स्ट स्टेप इज कि जब भी हम तेल फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, अब चाहे हम सब्जी फ्राई कर रहे हैं या फिर पकौड़े फ्राई कर रहे हैं, तो तेल हमेशा गंदा हो जाता है और हम करते क्या है कि डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं ऑयल कंटेनर में, जिसकी वजह से वो ऑयल गंदा ही रहता है और नेक्स्ट टाइम उसको यूज करने का मन नहीं करता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप यूज कर सकते हैं एक स्ट्रेनर का। जब भी आप कोई तेल फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, फ्राई करने के बाद इस तरीके का एक स्ट्रेनर उस तेल के कंटेनर पर लगाइए, उसको छान लीजिए, तो आपका तेल भी क्लीन हो जाएगा और जितने भी उसके अंदर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे उनको आप थ्रो आउट कर सकते हैं, तो आपका ये ऑयल नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल क्लीन है, इसके अंदर बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं है। सो माई नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही खास टिप कि अक्सर होता क्या है, हम डस्टबिन में अगर गीला कचरा डाल देते हैं तो डस्टबिन गीला हो जाता है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं पुरानी सिल्वर फॉइल। जैसे कि जब आप रात को रोटी बनाकर रखते हैं तो नेक्स्ट डे जब आपका कैसरोल खाली हो जाता है तो ये सिल्वर फॉइल वेस्ट ही है। तो जितना भी आपका गीला कचरा होता है, जैसे कि फलों के जूस के कुछ छिलके हैं या फिर आपकी जो चाय पत्ती है ये अक्सर गीली ही होती है, तो इसको आप डायरेक्टली डस्टबिन में फेंकने की बजाय इस तरीके से किसी भी पुराने सिल्वर फॉइल पर डालकर अब इस सिल्वर फॉइल को आप डस्टबिन में थ्रो आउट करेंगे, फेंकेंगे, तो आपका डस्टबिन गीला भी नहीं होगा और जितना भी आपका गीला कचरा था वो सब एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से पुरानी और बेकार सिल्वर फॉइल भी यूज हो जाती है और आपका डस्टबिन भी गंदा नहीं होता है। एक और लास्ट स्टेप बहुत ही जरूरी है ये भी आपको बताना कि जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर के ग्लासेस यूज करते हैं तो जैसे ही आप उनको यूज करते हैं उसके तुरंत बाद उनको पानी से वॉश कर दीजिए। तो एक तो इनको वॉश करना इजी हो जाता है, आपको सर्फ या सोप की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही इजीली क्लीन हो जाते हैं। वहीं अगर आप इनको यूज करने के बाद आधा घंटा एक घंटा छोड़ देते हैं तो इनमें वो सब कुछ जम जाता है और आपको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप कि जब भी आप इनको ड्राई करने के लिए रखें तो कभी भी सीधा करके इनको ड्राई ना करें, अदरवाइज इनके ब्लेड में रस्ट यानी कि जंक लग सकता है। तो इनको ड्राई करने के लिए कुछ इस तरीके से उल्टा करके इसको आप ड्राई कर सकते हैं, इस तरीके से ये ड्राई भी हो जाएगा और इसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो ये थे मेरे कुछ खास टिप्स आप सभी के लिए। कैसे लगे आपको आज के ये टिप्स? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल टिप कौन सी रही, कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार कर रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।